Hi, hey guys. Hey guys, welcome to the class everyone and very good evening to all of you. I hope everybody is doing absolutely amazing. Yes, welcome to another amazing session of mastering word problems. So today, in today's class, we are going to master time and distance problems. क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी problems ऐसी हैं जिसमें you need to find a time, you need to find distance, you need to find speed sometimes, right? और ऐसी problems में we get confused, yes? तो आज मैं इसी session में आपको 3 different problems solve कराऊंगी जिससे आपका ये time, speed एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है. सो आई होप यू आर एक्साइटेड क्योंकि अगर आज का सेशन आपने पूरा देख लिया, जो कि बहुत ही छोटा सा सेशन होगा, आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. सो आर यू गाइस रेडी फॉर टुडेस क्लास? यस, शो मी सम एक्साइटमेंट, गिव मी थम्स अप्स इन द चैट. वेलकम एवरीवन. हाय दीपाली, हेलो कामना, हे महादेव, हाय साजद, रिधि, वेलकम टू द क्लास एवरीबडी. सो नाउ लेट्स बिगिन. दोज हु आर वेरी न्यू टू दिस चैनल, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब बिकॉज यू गेट लॉट्स ऑफ अमेजिंग वीडियोज हियर ऑन दिस चैनल. यू कैन इवन एक्सप्लोर, गो थ्रू द चैनल, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ दैट देयर आर डिफरेंट सेशंस दैट आर बीइंग कंडक्टेड फॉर क्लास 9, फॉर क्लास 10 टू एस योर एग्जाम्स, बी इट बोर्ड एग्जाम्स, बी इट स्कूल एग्जाम्स. सब कुछ एकदम आग लगा दोगे, फोड़ दोगे. एक बार चेक करो. और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट भी इसी चैनल पे क्रिएट कर दिया गया है ताकि जितने भी यूजफुल सेशंस हैं जो आपको चाहिए वो सब आपको एक ही सिंगल क्लिक पे मिल जाए. सो द स्मार्ट प्लेलिस्ट लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. यस, वेलकम टू द क्लास एवरीबॉडी. ओके, Now again we are back with our quiz masters. तो आपने अगर लास्ट क्विज मास्टर्स अटेंड नहीं किया है तो एक बार सेशन देखना, कितना मजेदार सेशन था. तो नेक्स्ट क्विज मास्टर इज हैपनिंग ऑन 22nd of January and for that registrations are open. Make sure you register for this quiz master. Compete करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से. You will be called to visit the studio to participate in the quiz live with your favorite teachers at Byju's, right? So make sure you register for this quiz. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं to our topic, how to deal with the problems based on speed, distance and time. तो सबसे पहले एक बहुत ही common सा सवाल है बच्चा आपके लिए, इन तीनों में relation क्या होता है? जल्दी से बताओ मुझे quickly in the chat box. I'm looking at the chats, I'm looking at the comments. Make sure, just tell me quickly what is the relation between speed, time and distance. We studied every time. Yes, Dipali, that's great, bacha. I know this channel is very beneficial for you all. If you check it out, you will find all the useful, important sessions here, right? For that, make sure you subscribe, also like the video and tell your friends about it. Very good. Okay. So speed क्या होता है? What is speed? All right, you are giving me the right answers. So speed किसके बराबर होता है? Speed is equal to distance upon time, right? यही तो होता है relation. अगर मैं आपको बोलूं time calculate करना है, so time is equal to distance upon speed. बड़ा basic सा formula है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना मैम, ये तो हमें पता है, बस यही लगेगा और कुछ नहीं करना है. ठीक है, सो आपका ये सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला यूज होगा. टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो दैट विल बी स्पीड इनटू टाइम. इजी पीजी, राइट? एवरीवन नोज इट. नाउ लेट्स मूव टू द वर्ड प्रॉब्लम जहां पे हम फंसते हैं. ओके, लेट्स क्विकली रीड द स्टेटमेंट. टुगेदर, कैन वी डू दैट? ऑल राइट. सो यहाँ पे देखो, अच्छा एक और बात, जिनको बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में दिक्कत आती है वर्ड प्रॉब्लम्स में, वो अभी लास्ट वीक सेशन हुआ था थर्सडे को. जिनको एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में दिक्कत आती है वो फ्राइडे को सेशन हुआ था. एंड आज वी आर कवरिंग दिस टाइम डिस्टेंस स्पीड प्रॉब्लम्स एंड टुमारो आई विल बी कवरिंग टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो आई एम ब्रिंगिंग दीज सेशंस ताकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए एकदम हलवा बन जाए. तो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी सेशन. ओके, ऑल राइट. सो मूविंग टू द क्वेश्चन, A train covers a distance of 480 kilometers at a uniform speed. भाई कितना distance travel करना है बच्चों हमें? 480 kilometers जाना है एक ट्रेन को, ठीक है. If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, क्या बोलता है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? कहता है एक ट्रेन है, उसको 480 किलोमीटर जाना है और कहता वो किसी स्पीड से जा रही है, वो किसी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है. तो लेट्स से दैट लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर. तो पहला काम हम ये लिख देते हैं कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि मुझे नहीं पता ट्रेन की स्पीड कितनी है. सो लेट द स्पीड, आप यहाँ पे सिंपल स्पीड भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. सो वी कैन राइट हियर लेट द स्पीड, क्या लिखेंगे? लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, क्या मानना है? x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर. ओके, स्पीड ट्रेन जो है स्पीड से छुक छुक जा रही है. अब हुआ क्या, कहता है इफ, क्या कंडीशन लगा रहा है? इफ द स्पीड हैड बीन, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती, लेस हो जाती, ठीक है, इट वुड हैव टेकन 3 hours more. अब देखो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं ट्रेन की स्पीड कम कर दूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना. अगर वो धीरे धीरे से जाएगी तो टाइम ज्यादा लेगी. यस और नो बच्चा, ऐसे ही होगा. तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे 2 सिनेरियोज बन रहे हैं, ठीक है. तो बोलता है कि जब ट्रेन की स्पीड कम करेंगे तो उसको 3 घंटे 3 hours ज्यादा लगे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए. फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, यूजुअल मतलब जो एक्चुअल स्पीड थी, जो ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, वो आपको निकालना है. आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी. यस, अच्छा देखो सुखबीर इज सेइंग क्वेश्चन आया था हमारे यूटी में, बिल्कुल ये क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के, तो 5 मार्क्स पॉकेट में डालने हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है. आज की क्लास में 3 क्वेश्चन कराऊंगी और 3 बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स के लिए. चलो तो चलो, स्पीड मान ली हमने x. अब 2 केसेस है हमारे पास. नॉर्मल केस क्या चल रहा है? नॉर्मल केस में हमारे पास डिस्टेंस को मैं d1 मान लेती हूँ. डिस्टेंस तो दोनों केसेस में क्या ट्रैवल होगा, अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है. डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है भाई? 480 किलोमीटर, ठीक है. एक ट्रेन है, उसको 480 किलोमीटर ट्रैवल करना है. अच्छा, उसको स्पीड कितनी है बच्चा? s1 मान लेते हैं, ठीक है. स्पीड कितनी है उस ट्रेन की? हमने माना स्पीड x किलोमीटर पर आर. इक्वेशन को समझेंगे पहले, फिर इक्वेशन बनाएंगे. अच्छा बच्चा, डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, तो क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो? टाइम कितना होगा? टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज 480 अपॉन स्पीड. तो ये हो जाएगा हमारा टाइम. दिस इज अ नॉर्मल सिचुएशन इफ द ट्रेन इज गोइंग विद दिस स्पीड. पर अब सिचुएशन बदल गया, ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से थोड़ी जा रही है, ट्रेन की स्पीड कम कर दी भाई. अगर ट्रेन की स्पीड हम लोगों ने कर दी कम तो सीन चेंज हो चुका है. डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल कर रही है तो d2 भी सेम होगा. सेकंड वाले सीन में 480 किलोमीटर ही ट्रैवल करने हैं. अच्छा, स्पीड बदल चुकी है बच्चा, स्पीड क्या हो चुकी है? 8 किलोमीटर पर आवर लेस. तो इस केस में पहली अगर उसकी स्पीड x थी तो अब स्पीड को कम कर दिया हमने. यस, सो दिस विल बी आवर न्यू स्पीड. अच्छा, अगर डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, तो टाइम क्या हो जाएगा इस केस में? कैन यू टेल मी? टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्या यहां तक आपको समझ में आया? आपके सामने मैंने 2 केसेस बिल्कुल सामने रख दिए, है ना. 2 केसेस आपके सामने मैंने रख दिए. केस 1 में नॉर्मल चल रहे हैं, नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, नॉर्मल टाइम लग रहा है. केस 2 में स्पीड कम कर दी, अब टाइम इतना लगेगा. अब मुझे ये बताओ, ये टाइम ज्यादा होगा या ये टाइम ज्यादा होगा? क्विकली टेल मी. सिंपल सी बात है, T2 ज्यादा होगा क्योंकि स्पीड कम कर दी है तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना. सो इस केस में क्या हो रहा है बेटा? जो T2 है दैट इज ग्रेटर देन T1. और कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? 3 hours, है ना. डिफरेंस कितना है? 3 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन विल बी, क्योंकि T2 बड़ा है, T2 माइनस T1 इज गिवन एज 3 hours. सो दिस इज योर इक्वेशन. अब T2 की वैल्यू पुट करो 480 अपॉन x माइनस 8. T1 की वैल्यू पुट करो तो आपके पास क्या बन गया? आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 480 अपॉन x माइनस 8. ये हमारी T2 है. T1 क्या था? 480 अपॉन x. दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 घंटे का फर्क पड़ रहा है भाई. जब स्पीड कम कर दी टाइम ज्यादा लगेगा. कितना ज्यादा? 3 घंटे ज्यादा, ठीक है. तो यहां से इक्वेशन बन गई Did we get the question? Arya, I'm using both the languages, बच्चा. ठीक है? I have shown you the two cases, one with the original speed, another one with the lesser speed, right? And we have this equation t2 minus t1 equals to 3. Why? Because this is the time taken when the speed is less. This is the time taken when we have the normal speed of the train. So the difference is coming out to be 3 hours. So just solve this equation. It is very easy to solve. कैसे करेंगे solve? Let's take 480 common. 480 को कॉमन ले लो. यहाँ पे ले लेते हैं LCM. यहाँ पे LCM ले तो क्या बन जाएगा? x into x minus 8. Then x goes here. माइनस का साइन है. So x becomes minus x. Minus 8 becomes plus 8 equals to 3. So x and x got cancelled out. We get ये 3 के साथ ये cancel out हो जाएगा. ये 160 बन गया. You get 160 into 8 equals, let's take it to the right hand side. We will get x square minus 8x. So the final equation becomes x square minus 8x minus 1280 equals to 0. Now this is your quadratic equation. This is the correct quadratic equation. Can you solve this equation for me and tell me what is the answer? Yes, bacha, can you do this? Can you do this for me? Yes, quickly. Okay, so Jayesh is giving 40 km/h is the answer. Very good. Very good, Jayesh. Vaishnavi. जिन बच्चों का आंसर आ गया, do let me know in the comments. Yes, quickly. अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग करेंगे. स्प्लिटिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं? Let's do splitting the middle term. 1280 के हमने दो फैक्टर्स तो ऑलरेडी देखे हैं ना. क्या थे दो फैक्टर्स? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया ना. तो इसको ऐसे पहले तो अलग अलग लिख दो. 10 को फिर से अलग कर देते हैं क्योंकि फैक्टर्स ऐसे देखेंगे ना कौन सा बनाए. अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 2 इंटू 10 इंटू इस 8 को 4 इंटू 2 लिख देते. अब कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो. वी नीड द सम माइनस 8. हमें सम माइनस 8 चाहिए. तो कैसे कंबाइन करूं इनको? वी कैन से कि अगर मैं 40 ले लेती हूँ और 8 टू ज 16 टू ज 32 ले लेती हूँ तो येस आई कैन गेट द सम माइनस 8. तो स्प्लिटिंग क्या होगी? यहाँ पे आ जाएगा माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू यहाँ पे 0. एक्स स्क्वायर ऐसे उतार दो. नाउ टेक कॉमन हेयर. क्या कॉमन आया यहाँ पे? यू विल गेट x कॉमन एंड इक्वेशन बिकम्स x माइनस 40 प्लस यहाँ पे 32 कॉमन. यू विल गेट x माइनस 40 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 40 इंटू x माइनस 32. आई थिंक ये आपने कर लिया होगा, मेरे से पहले कर लिया होगा. यस, कर लिया होगा ना. तो x इक्वल्स टू 40 km/h या फिर x equals to minus 32 km/h. Can a speed be negative? No. So you will reject this minus वाला value and your final answer comes out to be 40 km/h. Yes, is it clear? Yes, bacha. Question was very easy peasy, right? You can easily solve this question, है ना? चलो. So are you guys ready for the next and very popular question? और बहुत बार रिपीट हुआ है जो मैं अगला क्वेश्चन कराने वाली हूँ. ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, राइट? चलो, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द कैलकुलेशंस इफ यू वांट एंड आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. दिस वाज माय केस 1 where the distance, speed and time was normal. This was our case 2 when the speed has been reduced to 8 km/h. ठीक है, reduced by 8 km/h and the time also changes, right? Okay, now it's time to move to the next and very important question. That this previous question is also board question, so it is also important. Basically, all the three questions that I'm doing today is very important. They repetitively come into your exams, you know. चलो, तो इनको करना बहुत इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, सो प्लेसेस ए एंड बी आर 100 km अपार्ट. अब कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है, तो मैं डायग्राम के साथ अच्छे से समझाऊंगी. तो पे अटेंशन एवरीबॉडी, दोज हू वांट टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. ओके, नाउ लिसन हियर. पहले समझो फिर करेंगे. प्लेसेस ए एंड बी आर 100 km अपार्ट. सो लेट्स टेक दिस ए and let's take this place as B. So both of the places are 100 km apart. बहुत बढ़िया. दोनों के बीच में distance कितना? 100 km on the highway. One car starts from A. एक गाड़ी A से start हो गई. This is my गाड़ी जो A से start हो रही है. The another car starts from B. दूसरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है. The another car starts from B. At the same time पे start हो रही है. if the cars travel in the same direction. What is it saying? It is saying that both of the cars are going to travel in the same direction. Okay? At different speeds. This is important. They are traveling at different speeds. That means, let's say that the speed of this car is x kilometer per hour. Let the speed of this car be y किलोमीटर पर आर. डायग्राम बना लिया करो, आधी चीजें तो वैसे ही क्लियर हो जाती हैं. अगर आप पेपर में डायग्राम बना के आओगे ना, टीचर एग्जामिनर ऐसे खुश होकर तुम्हें मार्क्स देगा. सो मेक श्योर जहां भी आपको लगता है कि मैं डायग्राम बना सकता हूं, हमेशा बनाना है. ओके चलो, मार्क माई पॉइंट. ये प्रेजेंटेशन स्किल्स का पार्ट होता है. कहता अगर ये दोनों डिफरेंट स्पीड से जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दे मीट इन 5 hours. 5 घंटे में ये दोनों मिल जाएंगे. तो मान लेते हैं कि 5 घंटे के बाद ये पहुंच गए इस सी पॉइंट पे. इस सी पॉइंट पे ये दोनों गाड़ियां मिल जाएंगी. ठीक है, ये सी पॉइंट पे दोनों गाड़ियां मिल जाएंगी. यस, आफ्टर 5 hours. नाउ यू टेल मी, यहां से हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं? यहां से क्या इक्वेशन बन सकती है? इक्वेशन हमेशा व्हाट इज गिवन टू यू उसके बेसिस पे बनती है. डिस्टेंस इज गिवन टू अस, है ना? यहाँ पे डिस्टेंस हमें दे रखा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस के फॉर्म में इक्वेशन को बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, क्योंकि टाइम तो दोनों गाड़ियां क्या ले रही हैं. देखो यहाँ पे एक चीज समझना, डिस्टेंस क्या है. दे आर स्टार्ट्स एट द सेम टाइम ना, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करिए. अब मुझे जल्दी से बताओ कि हमारे पास डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, राइट? चलो, सो यहाँ पे बताओ क्या करेंगे. यस, क्विकली टेल मी. अच्छा, आगे भी पढ़ लो एक बार. इफ दे ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, अगर ये टुवर्ड्स वाला ईच अदर वाला सिचुएशन है, ये मैं नेक्स्ट केस में बताऊंगी. बताओ यहाँ पे क्या करेंगे? क्विकली टेल मी. हरी यार, व्हाट विल वी डू हियर? यस, तो यहाँ पे आप मुझे ये बताओ, इफ आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी, कितने घंटे लग रहे हैं मुझे? 5 hours लग रहे हैं. अगर मैं ए से बैठा हूं गाड़ी चलाने, मैं सी तक कितने टाइम में पहुंच रहा हूं? 5 hours. अगर मैं बी पॉइंट पे बैठ के गाड़ी चला रहा हूं तो मैं कितने टाइम में पहुंच रहा हूं सी पॉइंट तक? 5 hours. ठीक है, दैट मीन्स इफ आई वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ए टू सी, बिकॉज आई एम मीटिंग एट सी ना, ए टू सी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस होता है हमारे पास स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम. तो टाइम इज गिवन टू यू. स्पीड मैंने इसकी x मानी, टाइम मुझे पता है 5 घंटे लग रहे हैं. सो द AC डिस्टेंस बिकम्स 5x. इज इट क्लियर? व्हाट अबाउट BC डिस्टेंस? BC डिस्टेंस कैसे निकलेगा? B से C तक जाना है, स्पीड कितनी है भाई? y. टाइम कितना लग रहा है? 5 hours, राइट? सो BC बिकम्स 5y. नाउ हाउ कैन आई फॉर्म द इक्वेशन? अब इक्वेशन कैसे बनेगी? डिस्टेंस इज गिवन टू यू, तो इक्वेशन बन सकती है सीधी सीधी. कैसे? यहां पे देखो, यू कैन राइट मैम AB प्लस BC विल बी इक्वल टू AC. यस, सो आई कैन से कि AB plus BC is going to be equal to AC. Now let's fill in the values. AB is 100, BC is 5y and AC is 5x. So equation क्या बन गया? 5x minus 5y equals to 100. Let's simplify it. Divide by 5. X minus y equals to 20. This is your equation number 1. I hope first equation is clear to you. फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है सबको? येस और नो? इज इट क्लियर टू यू बच्चा? येस और नो? अरोमा बेटा, ये क्या निकाल रहे हो आप? x cannot be 1192 बेटा. नो, दैट इज नॉट राइट. नो, दैट इज नॉट राइट. यू आर मल्टीप्लाइंग स्पीड विद स्पीड, ओरिजिनल स्पीड विद द न्यू स्पीड. हाउ कैन यू गेट 1200? ठीक है, चलो अब यहाँ पे आओ. स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो. जब मैं बोलती हूँ यू कैन इवन पॉज द वीडियो, थिंक ओवर इट कि मैम ने जो बोला समझ में आया कि नहीं आया. अब्जॉर्ब करो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ. देन प्ले एंड देन वॉच अगेन. राइट इट इन योर नोटबुक. इस तरीके से समझ में आएगा. सिर्फ देखने से मैथ्स अगर आपको लगता है आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला. ठीक है, सो मार्क माई वर्ड्स, लिसन टू मी, think over it, absorb what I am saying and then write it in your notebook. You will 100% understand these easy peasy problems. आपको लगेगा ये तो बहुत ही हलवा थी, मैं तो ऐसे ही डर रहा था, राइट? चलो नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. दिस इज माई पॉइंट A, This is my point B. The distance between these two points are 100 किलोमीटर्स, है ना. हाईवे पे यही दो डिस्टेंस लिए. अब हो क्या रहा है, एक गाड़ी मेरी यहाँ पे है, एक गाड़ी मेरी यहाँ पे है. सो नाउ द कार्स आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर. सो दिस इज गोइंग दिस वे एंड दिस इज गोइंग द ऑपोजिट वे. नाउ व्हाट विल हैपन, यू टेल मी. एंड दे मीट इन 1 आवर. अब जब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो ये 1 घंटे में मिल रहे हैं. तो लेट्स से कि अभी यहाँ पे पहुंच गए, ये दिस इज द सी पॉइंट. लेट्स से दिस इज द सी पॉइंट. Now, if I want to go from A to C, if I want to calculate the distance AC, it will be speed into time. What is the speed of the first car? X. What is the time they are taking to reach to point C where they are meeting? 1 hour. So, AC becomes X. Similarly, if I want to calculate the distance BC, ये भी होगा speed into time. What is the speed of the car standing at B? That is Y. What is the time it is taking to reach this point, common point C? That is 1 hour. ठीक है? So the BC becomes Y. Now, what do we get? क्या equation बना? We know that in this situation, AC plus CB equals to AB. Let's put the values. AC is equal to X. CB is equal to Y and AB is equal to 100. This is your equation number 2. Now add both the equation and find the values of X and Y. You got 2 linear equations here. Yes, you got 2 linear equations here. So bacha, I'm using both the languages if you are hearing me properly. And this is mathematics. I think you can easily get me what I'm saying. So what is the answer? X is 60 kilometers per hour and Y is 40 kilometer per hour. I hope you have found the answer. 2 equation बनी है. This is your equation number 2. Your equation number 1 was X minus Y equals to 20. This was your first equation. Just add both the equations. Y will get eliminated. You will get 2X equals to 120. X becomes 60. I think the problem is clear to everybody. Now it's time to move to our problem number 3. Are you guys ready? Now let's move to the problem number 3 that could come in your board exam. Okay, all right. So here comes your problem. The question says a truck covers a distance of 150 kilometers. भाई एक ट्रक चल रहा है, वो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. At a certain average speed, किसी स्पीड से जा रहा है, मुझे नहीं पता किस स्पीड से जा रहा है, ठीक है. एंड देन कवर्स अनदर 200 किलोमीटर्स. पहले तो वो गया 150 किलोमीटर्स. हमारे पास एक ट्रक है, ट्रक बना देते हैं. ये आ गया हमारा ट्रक, ठीक है. अब क्या कर रहा है ये ट्रक, यहाँ से स्टार्ट हुआ. पहले ये गया कितना, 150 किलोमीटर्स, ठीक है. 150 किलोमीटर्स, मुझे नहीं पता किस स्पीड से गया, उसने बोला सर्टेन स्पीड. सो लेट्स से दैट द स्पीड ऑफ द ट्रक भी x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं. मुझे नहीं पता इसकी स्पीड क्या है. देन कवर्स अनदर 200 किलोमीटर्स. फिर यहाँ से यहाँ वो गया 200 किलोमीटर्स. सो यहाँ से यहाँ आगे भी उसने 200 किलोमीटर्स ट्रैवल किया एट एन एवरेज स्पीड विच इज 20 किलोमीटर पर आवर मोर. बच्चे, सो ओरिजिनल स्पीड वाज x. He covered this distance. Truck is covering this distance with 20 kilometer per hour more speed. So the speed becomes this. Easy peasy, right? If the truck covers the total distance in 5 hours, that means the total time. What is this 5 hours? This is actually the total time taken by the truck to cover this distance, है ना? So this is the total time. Find the speed of the truck. Can you find? Okay, let me explain this question once again. There was some audio issue. Sorry about that. Okay, so where were we? So we are on this question number 3. A truck covers a distance of 150 kilometers. तो यहाँ पे ट्रक को जाना है पहले 150 kilometers, right? And then it is traveling this 150 kilometers at a certain speed. I don't know what the speed is. So let's take it as x kilometer per hour, right? So a truck is traveling from A to B at x kilometer per hour. Then it covers another 200 kilometers. Another 200 kilometers, right? At the speed of, what is it given here? At the average speed, which is 20 kilometer per hour more. So now the speed is 20 kilometer per hour more than the previous speed. Yes, Okay, so now it is saying that the total distance, the truck is traveling the total distance in 5 hours. 5 घंटे लग रहे हैं पूरे पूरे. तो मतलब टाइम जितना A से B तक जाने में लगा प्लस जितना B से C तक जाने में टाइम लगा, total time is 5 hours, right? So how will we form the equation? We'll say that time taken to cover the distance, कौन सा distance? A से B. The distance AB is, distance कितना होगा? Yes, time कितना होगा? Distance upon speed, that is 150 is the distance, speed is x. So इतने hours. Similarly, time taken to cover the distance BC. BC distance के लिए कितना time लगेगा? जितना डिस्टेंस है दैट इज 200 अपॉन जितना स्पीड है दैट इज x प्लस 20, राइट? सो इतना टाइम लगेगा. यस, यहां तक क्लियर है? नाउ इट इज सेइंग दैट द टोटल टाइम दैट द ट्रक इज टेकिंग टू कवर दिस एंटायर डिस्टेंस इज 5 hours. तो मतलब अगर इन दोनों टाइम को ऐड कर देंगे वो किसके बराबर होगा? 5 के बराबर हो जाएगा. यस, तो बस यहां से हमारी इक्वेशन बन गई 150 अपॉन x. So we can write it like this: 150 upon x plus 200 upon x plus 20 is equal to 5. So now what we can take common here? We can take 50 common. क्या मिल जाएगा? 3 upon x plus 4 upon x plus 20, right? And we can take LCM here in the bracket. You will get x into x plus 20. X plus 20 goes here, gets multiplied with 3. You will get 3x plus 60 plus 4x. So this is how you take LCM now. Equals to 5 and here we have 50. Now you can cancel 5 and 50 easily. Let's cancel this 5 with this 50. So यहाँ पे आ जाएगा 10. यहाँ पे you will get 10 into 7x plus 60 and let's take this to the right hand side. You will get x square plus 20x. Now let's open the bracket. You will get 70x plus 600 equals to x square plus 20x. So now the equation becomes x square plus 20x minus 70x minus 200 equals to 0. So the final equation becomes x square minus 50x minus 200 equals to 0. Sorry, 200 नहीं, 600. 600. तो ध्यान रखा करो, जब इक्वेशन से नीचे नीचे लिख के आते हैं तो आते आते गड़बड़ हो जाती है, जैसे यहाँ पे हो रही थी मेरे से, है ना? तो यहाँ पे 20 था, यहाँ पे हमारा 600 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 600 इक्वल्स टू 0. नाउ हाउ विल यू स्प्लिट इट? यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन इजीली स्प्लिट 60 इंटू 10, राइट? सो यू कैन स्प्लिट एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 10x minus 600 equals to 0. Now take x common, you will get x minus 60. You take 10 common, you will get x minus 60 in bracket. Again, you can take x minus 60 common from there. You will get x equals to 60 km per hour and another value is coming out to be x equals to minus 10. You cannot take the minus value. You have to tell the examiner, I am rejecting this value. Put a cross on that value and say that this value is rejected because speed cannot be negative. Now that's all. So this was our question number 3. This was our question number 3. And now it's time for your homework question. For this homework question, you just have to give me the answer. If you know that at Byju's we have got you covered. You need not to worry about anything. सब कुछ आपको यहीं पे इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा. और बहुत इंपॉर्टेंट, कल मेरे 2 सेशंस है क्लास 10th. लिसन टू मी, कल आई हैव 2 सेशंस. First session is happening on 5 PM. तो I'll be taking this word problems on time and work. ठीक है, 5 women 3 men टेक इतने डेज टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क. ठीक है, तो ऐसे वाली जो प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी, पक्का एग्जाम्स में भी आती है, प्रीवियस ईयर्स में भी आती है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करानी बताऊंगी आपको. उसके बाद 7:30 पे वी आर हैविंग पॉलिनोमियल्स के PYQs का सेशन. सो डोंट मिस दिस. आई विल बी कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर, यू नो, दैट यू हैव टू डू before appearing in your board exams. Okay, so yes, with that note, and you know that we have this important playlist made out for you, so you can go to the channel, check it out and subscribe to the channel अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इतना कुछ आपको मिलता है और मिलता रहेगा only here at Byju's class 9th and 10th, right? So thank you so much for watching the class and I'll be seeing you in the next session. तब तक के लिए bye bye बच्चा, keep learning, keep exploring, bye bye.